हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सो गाइस, आज मैं आपको ले चलता हूं अपने लोकल झरने पे, जो हमारे गांव में झरना है उस पे मैं ले चलता हूं। बहुत ब्यूटीफुल है, आप देखेंगे। तो अभी हमें करीब करीब यहां पर जाना है और वो मेरे घर से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलते हैं झरने की तरफ और करते हैं इंजॉय। लेट्स गो। अभी हमें वो वहाँ पर जाना है गाइस, ये करीब 300 मीटर की दूरी पे होगा, तो चलते हैं। गाइस, हम पहुँच चुके हैं अभी जस्ट, इसे गधेरा बोला जाता है यहाँ पर, जिसे आप लोग नदी बोलते हो। तो ये आप देख सकते हैं, इसे हमारे यहाँ पर गधेरा बोला जाता है। गाइस, पहुँच चुके हैं हम झरने पे। इस झरने को जो हमारे यहाँ पर नाम रखा गया है, इसका रखा गया है छीड़। पता नहीं आप तक मेरी आवाज़ साफ पहुँच रही है अब नहीं पहुँच रही, क्योंकि इतना पानी का शोर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और इसकी ऊंचाई करीब करीब 60 से 70 फीट के आसपास होगी इसकी ऊंचाई। बहुत आगे तक है ये, बहुत ऊपर तक है, बट ये अभी इतना ही दिखाई दे रहा है। तो गाइस, आप देख सकते हैं बहुत प्यारा खूबसूरत झरना है ये, आप देख सकते हैं बहुत ऊंचाई है इसकी। एक्चुअली गर्मियों में ये थोड़ा कम हो जाता है, सूख जाता है, बरसातों में काफ़ी इसमें पानी रहता है, तो ये बहुत प्यारा लगता है। अगर मैं इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई, अगर हमारे उत्तराखंड के पर्यटन विभाग तक ये वीडियो पहुँच जाए तो ये बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है यहाँ का। तो इससे टूरिस्ट को भी बढ़ावा मिलेगा और इनकम के सोर्सेज भी बढ़ेंगे लोगों के। गाइस, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो पानी ऊपर से बह रहा है इसकी स्पीड इतनी है कि ये यहाँ तक इतनी हवा आ रही है इसमें, ये पूरे जो पेड़ जो आपको हिलते हुए दिख रहे हैं ये पानी की वजह से गाइस। तो बरसातों में ये कमाल का हो जाता है यहाँ पर जो हमारा छीड़ है। तो थोड़ा क्लोज जाते हैं गाइस और देखते हैं इसकी खूबसूरती। सो गाइस, अब चलते हैं वापस और देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें मिलती हैं दिखाने लायक आपको, तो दिखाते हैं वरना निकलते हैं यहाँ से। तो चलें। सो गाइस, जाते जाते मुझे एक और चीज़ मिली यहाँ पर, ये है जंगली झाड़ू। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसे हम घर में यूज़ करते हैं। ये एक जंगली झाड़ू होता है, इसे हम घर पे यूज़ करते हैं। अंदर तो हम इसे झाड़ू नहीं लगाते, बट
जो हमारे आंगन वगैरह होते हैं या फिर बरामदा हो गया वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा ये झाड़ू बनता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको। तो अभी मैं आपको झाड़ू दिखा बना के भी दिखाऊँगा, तो चलते हैं गाइस। ये गाइस शाम की धूप। सो गाइस इस तरह से जंगलों पे हमें चलना होता है और जंगलों के अंदर एंटर करते ही ऐसा लगता है कि पूरा अंधेरा हो चुका है, बट हमें तो आदत है यहाँ पर चलने की, तो हमें हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जंगलों पे चलना ईजी है। पानी बहुत ज़्यादा है आजकल गधेरों में, तो आप देख सकते हैं ये गधेरा जो बह रहा है इसमें पानी, आप देख सकते हैं कितना पानी है। एंड गाइस जंगलों पे टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम निकल चुका है। अभी मुझे हो चुका है यहाँ पर करीब 1.5 घंटा और बिल्कुल ही पता नहीं चला कि 1.5 घंटा मुझे हो चुका है, बट मैंने अभी टाइम देखा तो 1.5 घंटा मुझे पूरा हो चुका है यहाँ पर। सो अभी हम पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं आप पूरा हमारा बगीचा है, काफ़ी ज़्यादा घास है क्योंकि बरसात का मौसम है इसलिए घास बहुत ज़्यादा है पूरे खेतों में। सो गाइस मैं बात कर रहा था इस झाड़ू की, तो आप देख सकते हैं इस तरह से झाड़ू बनता है और यहाँ से इसको बांध दिया जाता है और फिर हम घर पे यूज़ करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो गाइस अभी इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।